कर्नाटक के तुमाकुर में एक किसान अपने दोस्तों के साथ कार के शोरूम पहुंचा। वह अपने लिए ड्रीम कार खरीदने गया था, लेकिन कथित तौर पर उसके कपड़े देखकर सेल्समैन ने उसे अपमानित कर दिया। बस फिर क्या था, इसके बाद किसान ने जो किया उसे देखकर सेल्समैन की आंखें फटी की फटी रह गई। आइए जानते हैं पूरा किस्सा। रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना, कथित तौर पे सेल्समैन ने उनसे कहा कि मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुम्हारे जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे। फिर क्या था, किसान ने घर से 10 लाख रुपए लाकर के आधे घंटे में गाड़ी डिलीवर करने को कहा, पर शोरूम वाले गाड़ी डिलीवर नहीं कर पाए। आपको बता दें, केम्पेगौड़ा पेशे से सुपारी किसान है। आरोप है कि जब उन्होंने वहां मौजूद सेल्समैन से गाड़ी का रेट पूछा तो भेषभूषा देखकर एक सेल्समैन ने उनका मजाक उड़ा दिया। अगर आपका अपने शहर में ऐसा कोई मामला सामने आता है तो आप क्या करेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें।